next poet for tonight is second last poet, you guys. So give him a really, really big round of applause. Oh, I love how everyone anticipated that. Roja. Okay, so for those of you who did not see the guy holding up an iPad, you know, because we're sort of like live on Ustream right now, so it's like real time and everything. Roja. Hello everybody. The poem which I'm going to sing is not the one which you all heard, like the topic is totally different. It's a conscious one. It's on the Guwahati girl molestation. Do you all know it? Do you all remember it? If you all, like, I don't listen any voice, so if you all don't know it, you'll get that hurt. But still, I'd like to describe it in my poem. It's in Hindi, like. So it's about a girl, Guwahati girl girl molestation plus the male domination. Here I go. कैसा ये देश कैसा वेश वक्त के साथ चलते हम तेज अब रुको तो जरा नजर अपनी घुमाओ जरा देखो तुम उस लड़की को हाँ देखो उस लड़की को चीख रही चिल्लाती वो इस मर्द जात के जुल्मों को क्यों करते हो तुम ऐसे बोलो अपनी माँ और बहनों को रहने दो क्या बोलोगे तुम जब जवाब को तुमने ही मार दिया सदियों से ऐसे करके तुमने उसको लाचार किया क्या उसका ये हाल किया अरे क्यों उसका ये हाल किया आइटम माल चिकनी कह के आंखें उसकी झुका दी लेकिन ये सब कह के तुमने अपनी इज्जत उतार दी कब तक ये सब हरामीपन तू करता रहेगा इंसानियत पर मरद जात फिर कलंक बन कर रहेगा रात 8 बजे गुवाहाटी सिर्फ 16 साल की वो थी अकेली थी इसलिए कुत्तों ने उस पे जो वार किया बिचारी को लाचार किया पुलिस तो सिर्फ देखती रही और मीडिया ये सब दिखाती रही कोई भी आगे आया नहीं उस बच्ची को बचाने को टूट पड़े सब उस पे जैसे शेर पड़ते खाने को बाल खींचे कपड़े फाड़े यहाँ वहां पे हाथ लगाया 15-20 लोगों ने ऐसे उस मासूम को सताया वो रोती रही पर किसी ने भी उसका दर्द समझ ना पाया मेल डोमिनेशन इस देश में अब बहुत हुआ घंटा मेरा भारत महान जब ऐसे किस्से होते हैं औरत की जो इज्जत करे वही असली मर्द होते हैं guys, but that was amazing. I think you guys need to give him like a huge applause. Thank you, Roja. Good poet, good rapper, and very, very steady hands. Ladies, very, very steady hands. Alright, our last poet for tonight is Sameer. Yay. We only have fans. You've got fans. अभी आपने देखा रॉजर जी हमारे बीच नहीं रहे आपकी इजाजत हो तो आपके लिए शेयर करना चाहूंगा इतनी मिलती है मेरे ख्यालों से तेरी सूरत इतनी मिलती है मेरे ख्यालों से तेरी सूरत मुझे डर है लोग तुझे मेरी गजल समझ लेंगे बम्बई में मैंने सुना है रामायण आपने आप लोगों ने रामायण के बारे में सुना और रावण दहन होता है दशहरे पर तो मैंने सुना है बम्बई में आजाद मैदान पर होता है और कई जगह पर होता है मैं नागपुर से हूँ और काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है रावण दहन तो सवाल ये उठता है कि रावण हर साल लौट कर क्यों आता है तो रावण इसलिए आता है कि राम स्थापित हो सके और तब मैं लिखता हूँ कि और सियासत की बात लोग करते हैं लोग मुझसे कहते हैं कि आप सियासत पर क्यों लिखते हैं मैंने कहा पॉलिटिशियन पर कौन लिखे कि 2 करोड़ के नेता और 2 करोड़ के सब बर्बाद कौन करेंगे तब भी फिर मैं कोशिश करता हूं और फिर एक शेर निकल आता है कि सियासत गरीबी पर कुछ इस तरह एहसान करती है सियासत गरीबी पर कुछ इस तरह एहसान करती है ये आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है और रावण दहन की मैं बात कर रहा था तो एक बार मैं रावण दहन जब देखने पहुंचा तो बस कुछ अपने ख्यालों में खो गया तो उस पर लिखा था कि रावण दहन देखने पहुंचा मैं मैदान में काफी लोग आए थे वहां लंकेश्वर के सम्मान में
चीफ गेस्ट था शहर का एक नेता, चीफ गेस्ट था शहर का एक नेता जो मौका मिलता तो पुतले से भी वोट मांग लेता। और रावण के पुतले को लगाने आग, जैसे ही मंत्री जी ने माचिस की तीली जलाई, पुतले से एक विनम्र आवाज आई, ए मेरे कलयुगी भाई, ए मेरे कलयुगी भाई, मुझे आग मत लगाइए, बड़े भैया होकर छोटे भाई को ना जलाइए। हम दोनों रावण के प्रतीक है तो क्या हुआ? अब देखिए रावण के प्रतीक है, रावण का पुतला भी रावण नहीं ना, नेता रावण, दोनों सिंबलाइज करते हैं रावण को। हम दोनों रावण के प्रतीक है तो क्या हुआ? हमारे पास कुर्सी है, पावर है, नाम है, अरे अपने ही बिरादरों को मारना काटना जलाना राक्षसों का नहीं इंसानों का काम है। आपकी मेहरबानी से नेताजी, आपकी मेहरबानी से नेताजी, हमारी राक्षसी संस्कृति आज भी लोगों में जिंदा है और हमारे हाफ मर्डर के जुर्म में राम आज तक शर्मिंदा है। इसीलिए मेरे जाति भाई, इसीलिए मेरे जाति भाई, आग लगाना भूल जाइए, मुझे अपने गले से लगाइए, एक नया धार्मिक मुद्दा उठाइए, नए झूठों वाला मैनिफेस्टो बनाइए। अरे गुजरात में इलेक्शन है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेको और इंसानियत के राम को जहां कहीं देखो जड़ समेत उखाड़ फेंको। फिक्र नहीं फक्र करो, फिक्र नहीं फक्र करो, यही बात हमारी जाति का पताका फहराएगी, बिना कोटा और रिजर्वेशन के सारी फैसिलिटीज मुहैया कराएगी और हिंदुस्तान की परिभाषा अवश्य सार्थक हो जाएगी। फिर नेता ने विभीषण का किरदार निभाया। और देखिए विभीषण बहुत एक फेमस कैरेक्टर है रामायण का, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का नाम को विभीषण ही रखता क्योंकि घर का भेदी लंकड़ है, जो बात की जाती बिल्कुल सही है। फिर विभीषण ने, फिर नेता ने विभीषण का किरदार निभाया और बड़ी शान से रावण का पुतला जलाया। इस वाक्य से तब मैं ऊब गया और गहरी सोच में डूब गया कि रावण के कई पुतले हम हर साल जलाते हैं, रावण के कई पुतले हम हर साल जलाते हैं, मगर उन सामाजिक रावणों का क्या जो मशरूम की तरह उगाते हैं। हम उस दौर में रहते हैं जहां भगवान का जन्म स्थान देश का कानून बताता है। हम उस दौर में रहते हैं जहां भगवान का जन्म स्थान देश का कानून बताता है। एक को तो श्री राम मार गए थे, मुझे बाकियों का ख्याल सताता है, मुझे बाकियों का ख्याल सताता है।